क्वेश्चन नोट अध्यक्ष परशील अध्यक्ष जनाब अकबरुद्दीन साहब मोहतरम स्पीकर साहब मैं आपके जरिए हुकूमत की तवज्जो इस बात पर ले लाना चाहता हूं कि हमारे मुतालबे पर औकाफी जायदादों के ताल्लुक से और बेकायदगियां जो वक्फ बोर्ड में हुई हैं जिसकी वजह से कई औकाफी जायदादें तबाह बर्बाद हुई हैं उसके ऊपर हमने हुकूमत से मुतालबा किया था कि CBCID की इंक्वायरी करवाई जाए सारे वक्फ बोर्ड के जितने भी औकाफी जायदादें हैं जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनके ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में ऐलान किया कि CBCID इंक्वायरी की जाएगी हमने उस वक्त यह भी मुतालबा किया था कि एक टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए तो आज तक भी उसमें क्या पेशरफ्त हुई है क्या कार्रवाई हुई है क्या तहकीकात का आगाज CBCID ने किया है इससे हम लाइल्म हैं और नहीं जानते हैं तो मैं आपके जरिए हुकूमत से फिर से ये मुतालबा करूंगा कि औकाफी जायदादों का तहफ्फुज़ जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी 15 केसेस अभी पेंडिंग है हाई कोर्ट में भी 1862 केसेस हैं वक्फ ट्रिब्यूनल में भी 1114 केसेस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी हैं तो इस हिसाब से औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं और जुमला वक्फ इंस्टीट्यूशंस 33,929 है जिसका टोटल एरिया है 77,538.07 लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी स्पीकर साहब कि 57,423.91 एकर्स लैंड एनक्रोच्ड हो चुका है तो सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास 20,000 एकड़ ही बाकी रही है तो मैं फिर से आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि CBCID तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मिल कराई जाए और जो भी खसूरवार लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए और औकाफी जायदादों का तहफ्फुज़ होना चाहिए जनाब अकबरुद्दीन साहब ओवैसी ने जो औकाफी जमीनों के बारे में CBCID की तहकीकात की बात की हमने नोट किया जरूर गवर्नमेंट के जहन में लाएंगे सर गौरव साहब क्रांति किरण गर्ग